I request Director Industries and Commerce Mehmood Shah Sahab to present a stall to शामिल हों एग्रीकल्चर कश्मीर फैसिलिटेटर्स रहे हैं इन सब जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट और तालियों से इनकी हौसला अफजाई की जाए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य बापू के जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में देश भर से आए सभी साथियों का हृदय से स्वागत करते हुए यहां पैदा होता है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में हम इसकी ब्रांडिंग की पोजीशनिंग नहीं कर पाए, इसलिए आज के जमाने में हमें स्ट्रेटजी में बड़ा परिवर्तन करना होगा और जीआई स्वाभाविक रूप से इसमें हमारी बड़ी मदद करने वाला है। अगर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन करके इन प्रोडक्ट्स के ओरिजिन के बारे में लोगों को, दुनिया को हम बता सके, देश को बता सके, आने वाले भविष्य में स्वाभाविक रूप से इन इलाकों की सूरत और सीरत दोनों बदलने में हमें कामयाबी मिल सकती है। ये जो हमारी आदत रही है सब चलता है, मुझे लगता है कभी से एटीट्यूड से बाहर निकलकर देश की विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे वो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कई माध्यमों जैसे प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से होकर गुजरना है। मैं अनुरोध करूंगा कि जीआई महोत्सव द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तथा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पर आपस में संवाद स्थापित करें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बंधुओं बहनों को मिला है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम कैसे सीख सकें और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम देश के दूसरे हिस्से से आए हुए भाई बहनों के साथ कैसे साझा कर सकें, मुझे लगता है इसका लाभ निश्चित रूप से हमें मिलेगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से आए लीडर्स को भारत के अलग अलग राज्यों तथा यूटीज की विरासत को करीब से देखने का मौका मिला था और उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने उपहार के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों को सम्मान दिए, सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया, इस सम्मेलन ने समाज के सभी वर्गों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब हमें
अमृत कालखंड में राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट को आत्मनिर्भरता की पहचान बनाना है। आने वाला भविष्य हमारी प्रगति की स्पीड और स्केल को नई ऊंचाई दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि जीआई महोत्सव नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ भारत की अनोखी विरासत को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार निर्मित करेगी और देश के अलग अलग हिस्सों से जो भाई बहनाएं हैं, हमारा संबंध और प्रगाढ़ होगा। मैं एक बार पुनः आयोजन से जुड़े सभी साथियों को हृदय की अनंत गहराइयों से विशेष रूप से साधुवाद देता हूं और इस आयोजन के सफलता के लिए आप सबको शुभकामना देता हूं। आज देश और दुनिया में अगर लोगों को आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसकी ज्यादा कीमत देने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं। मार्केट की भाषा में लोग इसे प्रीमियम कहते हैं और इस तरह जीआई टैग युक्त प्रोडक्ट के लिए भी आज लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए ब्रांड पोजिशनिंग, मार्केटिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का हमें एक निर्माण करना होगा। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल मार्केट के लिए अनुकूल हैं। बहुत से उत्पाद देश के बड़े शहरों के सुपरमार्केट में जगह बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि जीआई महोत्सव एक बहुत ही अच्छा और अद्भुत प्लेटफॉर्म है जहां सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के जीआई टैग युक्त प्रोडक्ट के सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन की स्ट्रेटजी पर एक साथ काम कर सकते हैं। अनेकों बार बहुत अच्छे प्रोडक्ट को लेकर चर्चा होती है, हिसाब क्वालिटी तो बेहतरीन है लेकिन मार्केटिंग इसका सबसे वीक लिंक है। हमें इस पर भी आने वाले दिनों में हमारे जो साथी आयोजक हैं, देश भर से जो लोग आए हैं, आपस में बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। कंज्यूमर और किसान तथा कस्टमर हस्तशिल्प के बीच मौजूद गैप को कैसे भरा जाए, जिन उत्पादों को सर्टिफिकेट मिला है उनसे जुड़े इलाके, समुदाय, एसोसिएशन तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एलाइड डिपार्टमेंट को फिर से यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारा काम सिर्फ जीआई टैगिंग के रजिस्ट्रेशन पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि मैं मानता हूं कि अब असली काम हमारा शुरू हो रही है। चिकनी वुड क्राफ्ट तथा बसवली पेंटिंग के जीआई सर्टिफिकेशन की सभी संबंधित समुदाय और स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सालों से देश के हस्तशिल्प परंपरा से जुड़े परिवार और विशेष फसलों की खेती कर रहे किसान भाइयों का मार्केटिंग हॉरिजन एक सीमित दायरे में सिमटा हुआ था। अगर कहा जाए कि हमारी परंपरा उपेक्षा का शिकार थी तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो भी समाज अपनी कला संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति उदासीन हो जाता है उस समाज की सृजन क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। इस उपेक्षा और उदासीनता का दंश एक बड़ी आबादी ने लंबे समय तक झेला है। अनेक वैल्यू एडिशन और अनेक इंटरवेंशन के जरिए कृषि तथा हस्तशिल्प इन दोनों सेक्टर में व्यापक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। आज ब्रांड कॉन्शियस वर्ल्ड में अगर ट्रेडमार्क किसी प्राइवेट कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है तो जीआई टैग किसी एक इंटरप्राइज नहीं बल्कि पूरे समुदाय के आर्थिक सामाजिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा। मैं एक बात कहूंगा कि किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। यह सच है कि एक फास्ट फूड कंपनी का नूडल सबसे ज्यादा बिकता है और उसके ब्रांड का नाम लोगों की जुबान पर है। उस ब्रांड का नाम उसकी क्वालिटी का रिफ्लेक्शन भी है, उसकी ब्रांड पोजीशनिंग, उसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा। हर एक संस्कृति में बड़ा बदलाव आया और स्वाभाविक रूप से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कारण हमें वैश्विक मार्केट में भारत के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ी सहायता और बड़ी प्रेरणा मिली। आज के इस जीआई महोत्सव में हम सबको संकल्प लेना चाहिए, उत्पादक
एसोसिएशन और प्रशासन तीनों मिलकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इस महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए एक अभियान की तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फॉरेन रजिस्ट्रेशन के भी प्रयास किए जाएंगे। एसोसिएशन को संबंधित जीआईएस को प्रोटेक्ट करना है। जिन देशों में उन प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा है वहां रजिस्ट्रेशन के लिए मिशन मोड में काम करना है। आज से करीब 6-7 महीना पहले इसका जम्मू में कार्यक्रम हुआ था, रजनीकांत जी उसमें थे। उस समय भी मैंने रजनीकांत जी से अनुरोध किया था, उन्होंने कहा तक नहीं भाई साहब, जितना भी समय होगा जम्मू कश्मीर के लिए मैं जरूर दूंगा। और जो भी आज एक से शुरू होकर के आज 13 जीआई टैग हमारे पास हैं और 7 जैसा अभी रजनीकांत जी बता रहे थे आने वाले दिनों में हमें और प्राप्त होंगे। ये कोशिश निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत देती है। अब इसमें हमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। बापू एक बात कहते थे कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकारों पर नहीं बल्कि कर्तव्यों पर टिकी हुई है तथा शारीरिक श्रम इन काम धंधों और उद्योगों का मुख्य तत्व है। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में रचे बसे हस्तशिल्प की परंपरा देश के अलग अलग हिस्सों के विविध कृषि उत्पाद और अपने आप में एक बड़ी भारी संपदा है। हर एक कला, चाहे वो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी हो, खुर्जा की पॉटरी हो, दहानू का चीकू हो, कश्मीर का सैफरन, पश्मीना या कनिसाल हो या भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट ग्रामीण भारत की समृद्धि का मार्ग तैयार करते हैं। और जीआई टैग जैसे इंटरवेंशन से यह हस्तशिल्प तथा कृषि सेक्टर में नई क्रांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं। खास भौगोलिक क्षेत्रों के एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट तथा सिल्क प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और उसे ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराकर उसे उन उत्पादों से जुड़ी जो कम्युनिटी है उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे उन्हें ताकतवर बनाया जा सकता है, इसमें इसका बड़ा अहम योगदान होगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले दो छोटी छोटी घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 1927 के आसपास कोलंबिया विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन चुका था। अली मोहम्मद नज्जार गिरी होगा क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसमें जीआई हुआ। ये जीआई तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल है, पक्का है। जब खरीदार के सामने अच्छा चीज पूरा पक्का चीज को ओरिजिनल पहुंचेंगे तो इसकी मांग बढ़ जाएंगी क्योंकि नकली चीज में खरीदार को चिढ़ होते हैं, दूसरा नहीं लेते हैं। तो ओरिजिनल चीज पहुंचेगा तो वो मांगेगा और तो इसकी प्रोडक्ट बढ़ेंगे और जो इसका असर कारीगर पर पड़ेगा, कारीगर तो ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि पैसा उसको मिलेगा। एक दूसरा चीज़ है कि खरीदार, ये जो खरीदार हैं ये खुश हो जाएंगे पूरे दुनिया में। ये हमारा हम तहफ़ चला रहे हैं, तहफ़ ने 6 क्राफ्ट में जीआई किया है। पहला जीआई उसमें सोजनी है, कानियस और पश्मीना और उसके बाद वॉलनट वुड कार्विंग, खतुमंद और पेपर माशी का हुआ। तो शुक्र अल्लाह का ये पहला जीआई यहाँ जो कश्मीर में अब एग्जिबिशन हुआ है और इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छी बात है। महोत्सव पहली बार यहाँ पे हो रहा है जिसमें 80 प्रोडक्ट्स और 80 क्राफ्ट्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं और 20 प्रोडक्ट्स और 20 क्राफ्ट्स को हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तरफ से शोकेस किया है। तो कुल 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पे जीआई जो है या जीआई एप्लीकेशन जिनकी जो है पाइपलाइन में है तो उन क्राफ्ट्स को हमने और उन प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से जीआई सामान लेके क्राफ्ट्समैन और प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आए हैं
और हमने अपने लोगों को भी इनके साथ मिक्स एंड मैच किया हुआ है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिसंस आपस में आइडिएशन कर सकते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट देख सकते हैं और आम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट्स थ्रू ये जो है आर्टिसन से खरीद। देखिए, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी 2020 की आई, उसने ये बोला कि जीआई आर्टिसंस को और जीआई प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए जो है पिछले 2-3 साल से हम जीआई कैंपेन चला रहे हैं, जिससे लोगों को आगाही करते हैं कि जीआई प्रोडक्ट्स क्या है और जीआई प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना है, कैसे आप उससे क्राफ्ट को और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट कर सकते हो। आज के डेट में